वेलकम, आई एम सना। वेलकम टू माई चैनल सना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप लोग? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आप लोगों को आइडिया है, सर्दियाँ आ चुकी हैं और हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो जाती है, डल हो जाती है और ग्लो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना सीक्रेट विंटर स्पेशल फेस पैक। इसको अप्लाई करने से आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा ग्लो मिलेगा इंस्टेंटली, जस्ट विद इन 30 मिनट्स। एंड नाउ इस फेस पैक को मैं बनाऊंगी कॉफ़ी से। एज यू नो गाइस, कॉफ़ी बहुत ही पॉपुलर ब्यूटी इंग्रेडिएंट है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये हमारी स्किन की ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। कॉफ़ी इज़ एक्सीलेंट एक्सफोलिएटर। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एक्ने को ख़त्म करता है, कम करता है एक्ने को, एक्ने स्कार्स को ख़त्म करता है, स्ट्रेच मार्क्स को भी ख़त्म करता है। इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, वाइटामिन B3 होता है और जो है ये डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है हमारी स्किन से। अगर हम कॉफ़ी को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं अपनी स्किन पर तो ये दाग धब्बों को ख़त्म करता है, रेडनेस को ख़त्म करता है, रिंकल्स फाइन लाइंस को ख़त्म करता है जो झुर्रियाँ हो जाती हैं हमारे फेस में, सन स्पॉट्स को ख़त्म करता है, इन्फ्लामेशन को, हाइपर पिगमेंटेशन को ट्रीट करता है और एक्ने के लिए ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। एक्ने के लिए स्पेशल इसलिए मेंशन करती हूँ कि एक्ने स्किन वालों का इशू बहुत सीरियस होता है तो वो सब कुछ नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैं अपनी सभी वीडियोज़ में बता देती हूँ कि कौन से फेस पैक जो हैं एक्ने पिम्पल दानों वाले लोग भी लगा सकते हैं और उनके लिए भी उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एंड माई सेकेंड पावरफुल इंग्रीडियंट इज़ राइस। आपने कोई से भी चावल ले लेने हैं, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके, ब्लेंड करके इस तरह का आपने पाउडर बना लेना है। राइस भी एक बहुत ही पॉपुलर और पावरफुल ब्यूटी इंग्रेडिएंट है। राइस में अमीनो एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं। ये हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, हमारी स्किन को लाइट भी करता है और पिम्पल्स और दानों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ख़त्म करता है पिम्पल्स को, एक्ने को। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें भी और ये कोलाजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है हमारी स्किन में और रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी आने से रोकता है अगर हम राइस का इस्तेमाल करते हैं अपनी स्किन पे, अप्लाई करते हैं इसको डेली बेसिस पर, और हमारे चेहरे के दाग धब्बों, डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म करता है। बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं राइस के हमारी स्किन के लिए। बेनिफिट्स बताती रहूँगी तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तो आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाना है इस फेस पैक को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ऐड करूँगी राइस पाउडर 3 टीस्पून। आपने राइस पाउडर ही घर में बनाना है, चावलों का आटा या राइस फ्लोर आपने नहीं लेना। 3 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है राइस पाउडर। सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने ले लेना है गरम पानी, हॉट वाटर। आपने पानी को गरम कर लेना है और इसमें पानी मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून। और गरम पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, गरम पानी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा कम है तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून और ऐड करूँगी। 3 टेबलस्पून जो पानी है मैंने ऐड कर दिया। राइस पाउडर हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, इट वर्क्स लाइक मिरेकल। ये हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करता है। इसको आपने 2 मिनट के लिए रख देना है इस तरीके से। आफ्टर 2 मिनट्स जो हमारा आज का हीरो है कॉफ़ी, कॉफ़ी लेंगे आप और कॉफ़ी इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। आपने भर के ऐड करनी है कॉफ़ी इस क्वांटिटी में। लुक, इतनी कॉफ़ी ली है मैंने। एंड माय थर्ड पावरफुल इंग्रेडिएंट इज़ आलमंड ऑयल। आपने रोगने बादाम ले लेना है इस तरह से और ये भी बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट हमारा इसमें जाने लगा है। ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, रिपेयर करेगा, एक्स्ट्रा ग्लो देगा, नरिश करेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आई एम एडिंग 1 टीस्पून रोगने बादाम। आलमंड ऑयल आपने 1 टीस्पून ऐड कर देना है इसमें लाइक दिस। टेंटनान एंड नेक्स्ट माई फेवरेट इंग्रीडियंट इज़ लेमन। इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। लेमन में वाइटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हाफ लेमन मैं लूँगी और जूस को ऐड करूँगी लाइक दिस, स्क्वीज द जूस। हाफ लेमन जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एंड माई नेक्स्ट पावरफुल इंग्रीडियंट इज़ वाइटामिन ई ऑयल। आपने एवियन के कैप्सूल ले लेने हैं इस तरह से। 1 कैप्सूल जो है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। मेडिकल स्टोर से ईजिली मिल जाता है, मैंने 600 mg वाला लिया है। आप 400 mg वाला भी ले सकते हैं, रेड कलर में अवेलेबल होता है वो, लेकिन 400 mg वाले आप जो हैं इसमें 2 ऐड करेंगे। 600 mg का सिर्फ ये 1 कैप्सूल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाइक दिस। ये पूरा ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है।
एंड माई लास्ट अमेजिंग इंग्रेडिएंट इज योगर्ट. आपने दही ले लेना है, फ्रेश दही, और योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है. ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है. योगर्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून. आपने योगर्ट उतना ही ऐड करना है जिससे अच्छा सा पेस्ट बन जाए आपके पास. लुक गाइज, नाउ आई एम गोना मिक्स इट. इसको आप मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से. लुक गाइज, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने. ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, आप सोच भी नहीं सकते. राइस और कॉफ़ी आपस में मिलके क्या कमाल करने वाले हैं आपकी स्किन पे. आप इसको ज़रूर ट्राई करें. आपने इसको 30-40 मिनट्स लगाना है मिनिमम. जो है आपने इसको 30 मिनट्स, आधा घंटा ज़रूर लगाना है. और आप फिर इसको स्क्रब की तरह सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए जो है वॉश करेंगे. आप थोड़ा पानी लगा लेंगे अगर ज़्यादा ड्राई हो जाएगा. और अगर आपको ये पतला लगे तो आप इसमें राइस पाउडर जो है वो और ऐड कर सकते हैं. ये आपको इतने कमाल के रिजल्ट्स देगा कि आपको अपनी स्किन से प्यार हो जाएगा. फेस पैक से तो आपको हो ही जाना है प्यार. अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप इसे सर्दी के मौसम में हफ्ते में 3 दफ़ा लगाएं, अदरवाइज़ आप हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं. इसमें जो राइस पाउडर है वो आपकी स्किन को टाइट भी करेगा, बहुत यंगर लुकिंग स्किन देगा आपको, और आपकी स्किन इतनी खूबसूरत हो जाएगी सर्दियों के मौसम में. इतना एक्स्ट्रा शाइन करेंगे कि सब लोग बोलेंगे आखिर राज क्या है. मार्केट के एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा फास्ट रिजल्ट्स देने वाला है ये फेस पैक आपको. सीरियसली आप राइस और कॉफ़ी का मिक्सचर लगा के देख ले, आप मुझे दुआएं देंगे. सो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई लव दिस अमेजिंग कॉफ़ी एंड राइस फेस पैक. आप इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे फीडबैक दें आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिले, खूबसूरत नजर आए सर्दियों में. और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. लव योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.